खाद वितरण से नाराज सैकड़ों किसानों ने आज कृषि उपज मंडी सिवनी मालवा में हंगामा कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही एसडीएम सहित भारी पुलिस बल कृषि उपज मंडी पहुंचा, जहां हंगामा कर रहे किसानों को समझाने का प्रयास एसडीएम के द्वारा किया गया। सूत्र बताते हैं कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं दिया जा रहा था, जिसके चलते किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना किसान खाद लेने के लिए मंडी में पहुंच रहे हैं, लेकिन पर्याप्त खाद नहीं मिलने से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज जब किसानों ने मंडी अधिकारियों से खाद के विषय में चर्चा की, तो उन्होंने सोमवार को खाद देने को कहा, जिससे किसान भड़क उठे और मंडी में हंगामा कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही एसडीएम और सिवनी मालवा पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीएम के द्वारा किसानों को समझाया गया और सोमवार से पर्याप्त खाद मिलने का आश्वासन दिया गया। करीब एक घंटे तक किसानों ने मंडी परिषद में हंगामा किया। एसडीएम की समझाइश के बाद किसानों ने हंगामा बंद किया। नहर में पानी नहीं है सर, एक साथ पानी सर देखो समस्या इसलिए है, नहीं देखो बातें क्या रखो यार, एक एक बात में बात कर लो, 10 आदमी बोल रहे कहीं समझ में आ रहा है। सुनो तो आप हम पढ़ाएंगे सर, कल भी यही बोला था काउंटर पढ़ेगा, कल भी ये बोला था काउंटर पढ़ेगा, कल भी नहीं पढ़ा, कल भी आए थे काउंटर पढ़ा था। एसडीएम साहब से निवेदन किया था कि काउंटर पढ़ाइए, एक ही में पब्लिक की भलाई। अरे सोमवार से सर ने बोल दिया एसडीएम साहब ने, सोमवार अरे हमने सोमवार ने आते उठवा लाइन लगी हुई है, झंझट के था आदमी नहीं है उनके बाद में क्या है, हम लगते हैं। अरे जब सर सर नहीं है हमारा, सर नेता हमारे यार नहीं है, हम नहीं क्या बात है, नहीं आप बात देख रहे सर, आप किसान का सहयोग तो कर सकते हो सर, किसान का सहयोग तो आप सोमवार को करेंगे, सोमवार खा जाएगा, सोमवार नहीं मिलेगा।